तो लास्ट क्लास हम लोग क्या देखे थे? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देख चुके थे जनरेटर का, ठीक। जनरेटर कैसे काम करता है, कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ये तो एक रिकॉल हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं कि जनरेशन करने के लिए हमको बेसिक तीन चीज चाहिए। क्या क्या था? फील्ड था, कंडक्टर था, और रिलेटिव स्पीड था, इन दोनों के बीच में। अगर हमारा फील्ड चाहिए, कंडक्टर चाहिए, रिलेटिव स्पीड चाहिए दोनों के बीच में, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। हमारा जो जनरेटर है या एसी मशीन, यहाँ हम अभी पढ़ेंगे डीसी के बारे में, ठीक है। डीसी मशीन हम बोलते हैं। तो लास्ट क्लास हम बता ही चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन वाइज तुम्हारा चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, दोनों सेम होता है। किससे? तो कंस्ट्रक्शन से। सिर्फ इसका वर्किंग प्रिंसिपल इन दोनों को अलग करता है। तो अब हम लोग जनरेटर का जो डीसी मशीन है उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग जैसे कि देख चुके हैं कि फील्ड सिस्टम चाहिए, किसी भी जनरेशन करने के लिए एक फील्ड होता है, एक कंडक्टर चाहिए, और दोनों के बीच में स्पीड चाहिए। तो फील्ड जो होगा तो फील्ड सिस्टम कहेंगे, कंडक्ट जैसे पिछले क्लास में भी हम बताए थे, जो फील्ड सिस्टम क्या जनरेट करता है, वर्किंग फ्लक्स, इसी में हमारा फ्लक्स जनरेट होगा। कंडक्टर जो है ये फिर क्या होगा, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब इन सब चीजों को एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं और उसके बाद हम लोग एनर्जी कन्वर्शन करते हैं। तो इन दोनों चीजों के पहले एक चीज यहाँ हम लोग जान लेंगे कि यहाँ पे जो एनर्जी कन्वर्शन होता है, तो डीसी मशीन में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है, और दूसरा बोला जाता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दो वर्ड है, लास्ट क्लास हम बोले थे ना, थोड़ा सा देख के रखने की डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, कोई देख पाए थे? यस सर। क्या है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या है पहला? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको बोलेंगे? देखो डायनेमिकली इंड्यूस्ड, हाँ बोलो, जिसमें फील्ड स्टेशनरी रहे सर, कंडक्टर रोटेट करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या होगा हमारा? फील्ड स्टेशनरी होगा और आर्मेचर, जिसको कंडक्टर भी बोल रहे हैं, कंडक्टर रोटेट करेगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल यहाँ डीसी जनरेटर डाल देते हैं। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? जस्ट इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? फील्ड मूव करेगा। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड विदाउट एनी रिलेशन मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड यहां मूव करेगा, कंडक्टर स्टेशनरी होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? ट्रांसफार्मर होगा। कैसे होता है आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या जनरल देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन हमारा जो डीसी मशीन का है, हम लोग उस कंस्ट्रक्शन को सीखेंगे, ठीक है। तो आज कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन का, ठीक है। कल हम लोग देखे थे जो लास्ट क्लास में, यहाँ पे क्या था, एक फील्ड सिस्टम था, एक तुम्हारा आर्मेचर सिस्टम था, एक वहां पे ऐसा डिवाइस था जो हमारा आर्मेचर में एसी जनरेशन हो रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा था डीसी में, जिसको हम क्या नाम बोले थे, स्लिप रिंग या स्प्लिट रिंग? तो मतलब यहाँ कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चीज भी हमको चाहिए होगा जो क्या करेगा, एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। फिर देखे थे तो वहां हम दो ब्रश लगाए थे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को मिला के कंस्ट्रक्शन हमारा बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला हम जानते हैं, याद देखो कैसे याद हो जाएगा, फील्ड सिस्टम, आर्मेचर हम लोग जानते हैं जो रोटेट करेगा, आर्मेचर सिस्टम, सिस्टम लिखेंगे इसके अंदर क्या क्या आएगा वो भी हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ जो हमारा एसी टू डीसी या डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, इसको हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं, कम्यूटेटर। फिर यहाँ पे ब्रश होता है और ब्रश गियर होता है करंट कलेक्ट करने के लिए, ठीक है।
हम हर एक का कलर चेंज करके इसलिए लिख रहे हैं कि समझने में तुम लोगों को जब आगे देखोगे नोट्स को तो आसानी रहेगा। आ जाइए फील्ड सिस्टम में क्या क्या होता है। फील्ड अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे फील्ड सिस्टम के अंदर क्या आता है, वर्किंग क्या है वो हम लोग एक एक करके सिस्टम में चलेंगे, ठीक है ना। फील्ड सिस्टम का जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसको योक बोलते हैं, दूसरा होता है यहाँ पे पोल कोर। अभी हड़बड़ाना नहीं है ना, अभी हम लोग सब समझेंगे क्या होता है पोल कोर। पोल शू होता है, इसके बाद यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग होगा, इसको एक्साइटिंग कॉयल भी बोलते हैं, एक्साइटिंग कॉयल या मैग्नेटाइजिंग कॉयल, मैग्नेटाइजिंग कॉयल भी बोलते हैं। ये हमारा जो सिस्टम हो गया ये किसके लिए हो गया, तो फील्ड सिस्टम। अब आ जाते हैं आर्मेचर सिस्टम। आर्मेचर सिस्टम, आर्मेचर सिस्टम में क्या क्या होगा, पहला होगा आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर, फिर यहाँ पे होता है तेत, इसके बाद होगा स्लॉट, एयर होल्स भी होते हैं इसमें, एयर होल, फिर क्या होगा एक वाइंडिंग होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो मेन हमारा ये सिस्टम यहाँ पे होता है। फील्ड सिस्टम के अंदर योक आएगा, पोल कोर आएगा, पोल शू आएगा, फील्ड वाइंडिंग आएगा या इसको एक्साइटिंग कॉइल या मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग बोलते हैं। आर्मेचर सिस्टम में क्या क्या आएगा, आर्मेचर कोर आएगा, तीत आएगा, स्लॉट आएगा, एयर होल आएगा और आर्मेचर वाइंडिंग आएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग इसका क्या करते हैं, दो अलग हम इसमें कलर से बनाते हैं, फील्ड सिस्टम को अलग कलर से बनाएंगे, आर्मेचर सिस्टम को अलग कलर से बनाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से अब इसको देखना, कंस्ट्रक्शन कितना आसान है कि एक ही बार देखने से हम लोगों को कंस्ट्रक्शन पूरा याद हो जाएगा और सिस्टम भी याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। और ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो ये पूरा एक क्वेश्चन कैरी करता है। तो जब भी हम क्लास में बनाएंगे कॉपी में तो इसको थोड़ा सा गोल बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये जो हम बनाए हैं ये हमारा क्या है, फील्ड सिस्टम है, ठीक है, फील्ड सिस्टम है। तो इसमें जो सबसे आउटर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। ये दो काम करता है, एक मशीन, कोई भी मोटर को देखे हो, बड़ा मोटर को सभी कोई देखे होंगे। यस सर। तो बड़ा मोटर क्या बाहर से मतलब इनक्लोज्ड होता है या खुला हुआ रहता है, कोई भी मोटर इनक्लोज्ड होता है सर, क्लोज्ड होता है, बंद होता है। उसका क्या फायदा होता है, हाँ उसका क्या फायदा होता है, पहला कि वो किसी कोई भी उस पर चीज गिरेगा तो मोटर के अंदर के पार्ट को या मोटर को डैमेज होने से बचाता है। तो योक का पहला काम क्या है, वो मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। दूसरा क्या है इसको, चलो दूसरा वाला हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक है। ये जो पार्ट है ये वाला पूरा, यहाँ पूरा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल कोर। पोल कोर में क्या काम होता है, पोल कोर में ही हमारा जो मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग होता है, एक्साइटिंग कॉइल होता है, ये हमारा वाउंड होता है यहीं पे, ठीक है। हम यहाँ पे बना दे रहे इस कलर से, दोनों साइड सभी में पोल में बना देते हैं। अभी सिर्फ हम लोग कंस्ट्रक्शन का पार्ट देख रहे हैं, किसका, तो फील्ड सिस्टम का। तो ये नाम मेरा क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे फील्ड कॉइल, फील्ड कॉइल। दूसरा फील्ड कॉइल का क्या काम है, ये वर्किंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो फील्ड कॉइल ये कहाँ वाउंड होता है, तो पोल कोर में वाउंड होता है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखो ये जो सरफेस दिख रहा है चारों पोल में, ये सरफेस दिख रहा है, हम ब्रॉड बनाए हैं चारों पोल में, दिख रहा है। यस सर। इसको पोल शू बोलते हैं। पोल शू का क्या काम है कि देखो हम थोड़ा सा मतलब हाथ से बनाए हैं तो उतना नहीं, तो यूनिफॉर्म चारों का जो ये मुंह है ये वाला सभी का यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, चारों का डिस्ट्रीब्यूट। ये क्या करता है, जो फ्लक्स जनरेट होता है तो यहाँ बीच में हमारा पूरा ये जो बीच में हमारा जहाँ पे ये खाली पोजिशन है
यहाँ पे देखो ये पूरा इतना राउंड हम जो दूसरा कलर से कर रहे हैं इसमें आर्मेचर सरफेस आर्मेचर आएगा तुम्हारा आर्मेचर सिस्टम, तो उसको हम नीचे बनाएंगे। तो आर्मेचर सिस्टम के जो पूरे सरफेस में जो ये फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म होगा। तो पोल शू का क्या काम है कि फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म करना आर्मेचर के सरफेस पे। क्लियर है यहाँ पे? दूसरा पोल शू यहाँ पे अगर ये ब्रॉड है तो ये जो मैग्नेटाइजिंग कॉइल है इसको भी तो एक सपोर्ट दे रहा है पोल शू, दे रहा है या नहीं दे रहा है? अगर कोई भी मेरा सिस्टम इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है, बड़ा है, यहाँ पे अगर हम वायर को वाउंड करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो मेरा सरफेस नीचे गिरने से इसको बचाएगा कि नहीं वायर को? ये वाला जो मेरा ये पोर्शन जो चौड़ा होने के कारण वायर को नीचे आने देगा, इधर मूव करने देगा, पूरा कॉइल को दे देगा? नहीं देगा। तो पोल कोर का क्या काम है? मैग्नेटाइजिंग कॉइल वही वाउंड होता है, बाउंड होता है। पोल शू का क्या काम है? उसका दो काम है। एक तो है कि वो तुम्हारा जो मैग्नेटाइजिंग इसको जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लक्स को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्लस क्या करता है सपोर्ट करता है फील्ड कॉइल को, ठीक है। यहाँ अभी जो हम बता रहे थे कि योग हमारा दूसरा फंक्शन योग का जो है वो चीज हम लोग नहीं देख मतलब ये हो पाया था, ठीक है, उस समय, क्योंकि अब हम बताएंगे अगर योग का तो तुम लोग को थोड़ा सा और समझ में अच्छा से आएगा। ये देखो अगर यहाँ माइंडिंग है तो एक नॉर्थ जनरेट करेगा, एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ। फ्लक्स का फ्लो किधर से किधर होता है? साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ? नॉर्थ से साउथ, ठीक। तो एक फ्लक्स इधर से भी आएगा, एक फ्लक्स इधर से भी आएगा, आएगा फिर क्या करेगा? साउथ से नॉर्थ की ओर ऐसे होगा, कुछ फ्लक्स इधर जाएगा। तो अगर हम मान लो यहाँ पोल पे दोनों फ्लक्स जो मिल रहा है उसका दोनों जो मिल रहा है उसका हम वैल्यू फाइव देते हैं। ये फ्लक्स जो एक यहाँ से ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए और बी, ए प्लस बी इक्वल टू हम फाइव बोलते हैं। तो जब वो फाइव दो भाग में, ए प्लस बी इक्वल टू फाइव, मतलब जो हमारा इधर से ये ए फ्लक्स है ये बी फ्लक्स है। अगर मान लो ए और बी फ्लक्स मेरा मिल रहा है और पोल के सर्फेस में या पोल कोर पे वो फ्लक्स फाइव बना रहा है और फिर वो दो भाग में डिवाइड हो रहा है, कोर में दिख रहा है इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये जो डिवाइड हो रहा है इसको हम लोग, ये जो मेरा डिवाइड हो रहा है इधर आधा जा रहा है आधा इधर जा रहा है, तो बाय टू हो जाएगा, फाइव बाय टू प्लस फाइव बाय टू, ए का वैल्यू फाइव बाय टू, बी का वैल्यू फाइव बाय टू, यही ना होगा? जैसे देखो एक इधर से आ रहा है इधर जा रहा है, नॉर्थ से आ रहा है इधर जा रहा है, हम बोल रहे हैं ये दोनों मिलके वैल्यू फाइव है, ठीक है। तो जब ये दो भाग डिवाइड हो रहा है इक्वल, अगर इक्वल मानते दो भाग डिवाइड हो रहा है तो फाइव बाई टू इसका वैल्यू कितना होगा? फाइव बाई टू होगा, इधर भी फाइव बाई टू होगा, yes, sir. होगा नहीं होगा? yes, sir. तो ये काम योग मैकेनिकल इंजरी से बचाता है किसको? तो हमारे पूरे सिस्टम को। दूसरा क्या काम है? फ्लक्स को पाथ देता है, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? तो 5 बाई टू हमारे योग में होगा। तो ये फील्ड सिस्टम का जो हम चार चीज बताएं, योग बताएं, पोल कोर बताएं, पोल शू बताएं, ठीक है, इन सब चीजों में और मैग्नेटाइजिंग बाइंडिंग, तो इन सब चीजों में कहीं दिक्कत है, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग आई। अगर मशीन को हमको उठाना है तो हम इसी की मदद से इसको ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, ठीक है। फील्ड सिस्टम में कहीं किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, कॉइल का क्या काम है सर? नो सर, फील्ड कॉइल में जब हम डीसी सप्लाई देंगे, किसी भी कॉइल में, फील्ड कॉइल में जब डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ फील्ड कॉइल में जब सप्लाई आएगा तो वर्किंग फ्लक्स जनरेट करेगा। तो फील्ड कॉइल के जो वर्किंग फ्लक्स जनरेट करेगा वही फ्लक्स आर्मेचर कट करेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो फील्ड कॉइल का क्या काम है? वहां वर्किंग फ्लक्स जनरेट करना, ठीक है। तो अगर हम फील्ड सिस्टम का, फील्ड सिस्टम में क्या क्या पार्ट है पूछते हैं तो क्या क्या बोलोगे? पहला क्या होगा? पोल कोर, पोल कोर, योक, फील्ड कॉइल, फिर लिफ्टिंग आई। इसके बाद एक चीज और छूट रहा है, पोल शू नहीं छूट रहा है, पोल शू छूट रहा है।
तो ये फील्ड सिस्टम का हमारा पार्ट है। तो अब तो याद हो गया सभी को, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को। अब आ जाइए हम लोग आर्मेचर सिस्टम देखते हैं। ठीक, आर्मेचर सिस्टम अब हम लोग देखते हैं क्या है। आर्मेचर सिस्टम में हम पहला नाम बोले थे आर्मेचर कोर। फैन सभी के घर में है ना, सीलिंग फैन? यस सर। तो सीलिंग फैन में जिस जो अंदर वाइंडिंग होता है कुछ उस तरीके का कोर, यहाँ की हम बात करें तो पूरा जो वाइंडिंग अगर हटा देते हैं तो वो जो हमारा बचता है वो क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। ठीक है, फिगर हम बनाएंगे। इसके बाद क्या बोले, टीथ बोले, फिर क्या बोले थे, स्लॉट्स बोले थे, फिर बोले थे एयर होल, फिर क्या बोले थे, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब हम लोग इसके फिगर बनाते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। ये होता है आर्मेचर, मेरा कोर बन गया। अब इस पे हम लोग देखेंगे चारों नाम किसको क्या बोलते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, अभी जो हमको दिख रहा है इसको पूरा को क्या बोलते हैं, आर्मेचर सिस्टम, आर्मेचर कोर बोलते हैं। ठीक है, ये जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है सभी में, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, दिख रहा उभरा हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं दो टीथ के बीच में एक स्लॉट है, इसी स्लॉट में हमारा क्या किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है। फैन में देखते हो उभरा हुआ पार्ट में किया जाता है या दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक स्लॉट में किया जाता है वाइंडिंग? दोनों के बीच में सर, स्लॉट में किया जाता है। मतलब टीथ का क्या होगा कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वाइंडिंग को सब वहां पे करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये जो एयर होल है, एयर होल क्या करता है, अगर यहाँ मतलब जब हमारा ये कन्वर्सन करेगा इलेक्ट्रिकल, मान लो एनर्जी देते हैं, फैन रोटेट करता है, मैकेनिकल आउटपुट दे रहा है, तो उसमें हीट एनर्जी जनरेट होगा। तो अगर यहाँ से एयर कोल्ड पार होगा तो एयर उसकी एनर्जी, जो कोर में एनर्जी है हीट एनर्जी, उसको क्या करेगा, रेडिएट करेगा, वहां बाहर करेगा उसको, और थोड़ा कोर को ठंडा रखेगा। क्लियर है एयर होल का काम? यस सर। ठीक, तो आर्मेचर सिस्टम में क्या होता है हमारा, आर्मेचर कोर होता है जो पूरा यहाँ है, टीथ क्या होता है उभरा पार्ट है, स्लॉट कहाँ है, दो टीथ के बीच में स्लॉट है, एयर होल है, और आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, यही वाइंडिंग जब हमारा पूरा सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये आर्मेचर सिस्टम, इसको उठा के जब हम यहाँ इसके बीच में रखेंगे फील्ड में के, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब ये रोटेट करेगा किसी एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटर हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, टर्बाइन हो, गैस कोल मतलब कोल पावर प्लांट में चल सकता है जहाँ स्टीम से रोटेट कराएंगे, हाइड्रो पावर प्लांट में चल सकता है जहाँ काइनेटिक एनर्जी हम वाटर का यूज करेंगे, तो किसी भी सोर्स से हम इसको रोटेट करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड पे, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, ये वहां पे फ्लक्स को कट करेगा तो EMF इंड्यूस होगा। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में कहीं किसी को कोई दिक्कत है अभी तक में? यहाँ पे हम कम्यूटेटर नहीं देखा। आर्मेचर वाइंडिंग का क्या काम है कि इन दोनों स्लॉट के बीच में ही हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होगा दो स्लॉट में। ठीक है, इस तरीके से वाइंडिंग होगा सभी में। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या करता है, जब हम वाइंडिंग यहाँ पे करेंगे और इसको उठा के फील्ड सिस्टम के बीच में रखेंगे, तो ये कंडक्टर हो गया मेरा, ऊपर हमारा फ्लक्स जनरेट कर रहा है, वर्किंग फ्लक्स। तो जब ये हमारा आर्मेचर सिस्टम को रोटेट करवाएंगे तो क्या करेगा, उस फ्लक्स को कट करेगा तो इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा। समझ में आ गया सर? वाइंडिंग तो हमारा स्लॉट में ही होगा, तो कैसे होगा वाइंडिंग? जैसे ये मेरा मान लो है, तो इस ये जो दो टीथ है इसी पे ना लपेटोगे इस तरीके से वाइंडिंग? तो मेन जो वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग का घर तो एक तरह से यही ना हुआ, ये इसके बाहर निकालोगे? दोनों के बीच में जो खाली है उसी को देखो, यहाँ स्लॉट दिखाए हैं जी सर। जी
अब क्लियर हो गया डाउट जी? ठीक है, तो यहाँ पे जो अब हमारा था फील्ड सिस्टम हम लोग देख लिए, आर्मेचर सिस्टम देख लिए, कम्यूटेटर क्या होता है, कल हम लोग देखे स्प्लिट रिंग था, वो जैसे चेंज कर रहा है एसी टू डीसी, यहाँ कम्यूटेटर हमारा एसी टू डीसी चेंज करेगा। कम्यूटेटर का यहाँ पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो मेरे पास मॉडल होगा हम उसको नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे कि कम्यूटेटर कैसा दिखता है। ब्रश का क्या काम है, करंट कलेक्ट करना कम्यूटेटर सरफेस में, ठीक है। कम्यूटेटर सरफेस इस तरीके का गोल होगा, इसमें स्लॉट्स रहता है इतना, ठीक है, कम्यूटेटर, और यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग जाता है। तो यहाँ पे हमारा ब्रश कनेक्ट होगा, तो ये जब हमारा रोटेट करेगा तो ए बी हमारा जो ब्रश है फिक्स रहेगा, इसके सरफेस में रब करके करंट कलेक्ट करेगा। कल जैसे हम लोग देख रहे थे एम और एन नाम दिए थे लास्ट वीडियो जो हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में, तो उसमें एम और एन नाम दिए थे, तो वैसे ही यहाँ रब करके करंट कलेक्ट करेगा। तो आज के क्लास में यहीं तक है कि कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है वो हम लोग देख लिए, फील्ड सिस्टम कैसे है, आर्मेचर सिस्टम का डिफरेंट पार्ट क्या है, किसका क्या फंक्शन है, सभी कुछ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं।